सो हे गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया कम्युनिटी के रिगार्डिंग। सो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला, वीडियो को लास्ट तक देखना, और देखने के बाद मेरा कम पसंद आए तो फिर लाइक भी कर देना, और चैनल में ना तो फिर सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइज, आज का फर्स्ट अपडेट आ रहा है पबजी यानी कि BGMI के रिगार्डिंग। तो अभी तक गेम आने के बाद से BGMI गेम इंडिया में ओनली एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म में अवेलेबल था, बट फाइनली BGMI गेम एप्पल यूजर्स के लिए आ गया। मेरे पास iOS डिवाइस नहीं है, बट बोला जा रहा है कि BGMI की ग्राफिक्स पबजी से और भी ज़्यादा इनहेंस्ड हो गया, खेलने में और भी ज़्यादा मजा आएगा। BGMI वाले गेम iOS प्लेटफॉर्म में डालने के बाद एक ट्रेलर भी अपलोड किया। सो लेट्स सी दैट वीडियो फर्स्ट। सूत्रों से अभी भी पता चला है कि iOS का रिलीज का इंतजार करते करते जनता हो गई मुस्त। अबे यार भाई, iOS पे गेम कभी आएगा? आओ गए थोड़े से चैट पढ़ लेते हैं। अभी लेकिन ये क्या है भाई, जहां देखो वहां हर जगह iOS 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 चल रहा है, क्या ये चैट में क्या चल रहा है भाई? ये सब iOS 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 आ रहा क्या है उसमें? अबे कब आएगा iOS पे? विषय क्या है? कंटाल आ गया जिंदगी का। iOS 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 iOS। तो गाइस, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि अब गेम iOS में भी लॉन्च हो चुका है, अब iOS में मचाएंगे। तो गाइस, फाइनली बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आ चुका है iOS पर, तो जल्दी से फटफट जाके डाउनलोड कर लीजिए। सी यू ऑन iOS सून। सो गाइस, ट्रेलर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड ऑल्सो बताना कि आप लोग BGMI इंस्टॉल कर रहे हो कि नहीं। सेकंड अपडेट है बॉस गेमर और फ्री फायर कम्युनिटी की रिगार्डिंग। तो रिसेंटली बॉस गेमर यूट्यूब में एक वीडियो अपलोड किए एक बच्चे के लिए। असल में बच्चे का एक क्रिटिकल बीमारी है जो कि ठीक करने में 16 करोड़ रुपीज लगेंगे। तो गाइस, पूरा कम्युनिटी से वो हेल्प मांगे, एंड वीडियो बनाते समय इमोशनल भी हो गया था। आप लोग भी छोटा सा वीडियो क्लिप देख लीजिए। एंड ये जो बच्चा है आयान सिंह, इसके बारे में एक और चीज मैं बता देता हूँ। ये घर का अपने यानी कि अपने मामा पापा का इकलौता बच्चा है। इससे पहले इसकी एक बहन थी, ठीक है ना, जिसका भी डेथ हो गया कोई सा एक खतरनाक डिजीज़ के वजह से। तो मतलब समझ सकते हो यार, कितना ही क्यूट बच्चा है ये, बहुत प्यारा बच्चा है। और यार मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, 16 करोड़ रुपए चाहिए, और इतना ज़्यादा अमाउंट आपके मेरे अकेले के या हम सबके भी मिलने से नहीं हुआ, लेकिन जितना हम कम कर सकते हैं अमाउंट उतना तो होगा ही। ऑलमोस्ट 16 लाख के आसपास ऑलरेडी जमा हो चुकी है, यहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल्स बता रहा, एंड मेरे से भी जितना ज़्यादा होगा मैं करूँगा। मैं किस तरीके से करूँगा वो मैं बताता हूँ। देखो, मैं सीधी बात बताता, इस वीडियो की तो एडसेंस ऑफ रखूँगा मैं, क्योंकि इस टाइप की सारी वीडियो की एडसेंस ऑफ रहती है मेरी, आप लोगों को पता है। तो देखो, जो मेरे फेसबुक पे, आपको क्या करना है, जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना है, ठीक है। अब जितने लोग फॉलो करोगे जितना उससे मेरे को पैसा आएगा, 10,000 20,000 50,000, ठीक है, आपके फॉलो से, ठीक है, जितने लोग आप लोग फॉलो करोगे वो सारा का सारा पैसा मैं इस बच्चे के लिए डोनेट कर दूंगा, एंड पूरी की पूरी स्टोरी भी लगा दूंगा। एंड हो सके तो मेरे को कुछ टाइम में अगर मेरे को टाइम मिले कुछ समय में, तो फिर मैं हो सकता है तो इस बच्चे से जाके मिलूंगा भी। मैं एक वीडियो प्ले कर दे रहा हूँ, उसको देखो, उसके बाद फिर मैं आपसे बातें करता हूँ। ये मुझे ये बताइए कि इस बीमारी में क्या होता है बच्चों को, कैसे आपको पता चला? तो 2 मंथ से मैं देख रही थी ना कि ये पीछे जा रहा है, मतलब कि इसका नेक कंट्रोल जो आ चुका था 80 से 90% वो एकदम ख़त्म हो रहा था। मैं पूरा नेक लुढ़कने लगा था, फिर मुझे डाउट हुआ कि इसे कुछ और ही है, तो हम लोग बिहार न्यूरो गए। बिहार न्यूरो वहाँ के डॉक्टर गुंजन कुमार, वो बोले कि आप इसे एक टेस्ट कराना है, आप इसे निमहांस बैंगलोर लेते जाइए। हम लोग मैं बैंगलोर लेकर गए, वहाँ कुछ टेस्ट हुआ, उसका रिपोर्ट सब सही आ रहा था, डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर है क्या। फिर डॉक्टर ने बोला कि SMA का टेस्ट कराओ, SMA टेस्ट हुआ मैम, उस टेस्ट के 20 दिनों के बाद वो रिज़ल्ट पॉजिटिव आया मैम।
इसमें बच्चे को क्या दिक्कत? बच्चे को मैम मांसपेशी कमज़ोर पड़ने लगता और बच्चे को निगलने में प्रॉब्लम होने लगती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम तक बच्चे की ख़राब हो जाती है, क्योंकि मैम हमारा हर चीज़ जो है वो मसल से ही होता है और इनका मसल्स दिन पर दिन वीक पड़ते जाता है। आप देखेंगे 20-22 दिन से जब हमें इनका पॉजिटिव रिपोर्ट आया तब से ये बच्चा काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है, मतलब मांसपेशी एकदम मैम ये एकदम सिकुड़ते जाता है इस बीमारी में। सो गाइस उस बच्चे का अकाउंट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा एंड बॉस ऑफिशियल का फुल वीडियो देखने के लिए भी डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। सो गाइस मेरे अलावा आप लोग भी जरूर कुछ ना कुछ डोनेट करना। सो गाइस आई होप जल्दी से जल्दी वो बच्चा ठीक हो जाए। तो गाइस आज का नेक्स्ट अपडेट आ रहा है कंगना रनौत की तरफ से। सो गाइस उसकी इंस्टाग्राम अकाउंट का कोई हैक करने की कोशिश की, तो इसके रिगार्डिंग कंगना रनौत पोस्टेड समथिंग इन इंस्टाग्राम, लास्ट नाइट आई गॉट इंस्टाग्राम अलर्ट एज समवन ट्राइड टू हैक माय अकाउंट इन चाइना, द अलर्ट डिसअपीयर्ड सडनली एंड दिस मॉर्निंग All my stories about Taliban has disappeared. My account was disabled after calling Instagram people. I could access it, but as I try to write, I am getting locked out of my account again and again. Took my sister's phone to do this story, as she has my account opened on her phone as well. This is a very big international conspiracy. Unbelievable. तो गाइस इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड ऑल्सो बताना कि आप लोग कंगना रनौत को फॉलो करते हो कि नहीं। तो गाइस आज का नेक्स्ट अपडेट है देसी गेमर के बारे में। तो रिसेंटली देसी गेमर एक स्टोरी अपलोड किए, आई नो आजू भाई इज ट्रोलिंग मी फॉर 1v1, लास्ट टाइम हारा नहीं था ड्रॉ हुआ था, इस बार या हार होगी या तो फिर जीत, बेस्ट ऑफ 5 बी रेडी। सो गाइस लेट्स सी कब तक ये मैच होता है एंड देन आई विल लेट यू नो। सो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में ना तो फिर सब्सक्राइब भी कर देना। चलो आई विल सी द नेक्स्ट वन, बाय बाय।